13 जुलाई से शुरू होगा इंडिया टूर ऑफ श्रीलंका, और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस सीरीज के लिए इंडियन टीम की प्लेइंग 11 किस तरह से होगी। लेकिन रुको रुको, 20 लोगों की स्क्वाड है और मैचेस सिर्फ 6, क्या सभी खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलेगा? आगे बात करेंगे, फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले ओपनर्स की बात करते हैं। तो क्योंकि धवन कप्तान है तो वो तो ओपनिंग करेंगे ही, और उनका साथ देंगे उनके साथ ही दिल्ली कैपिटल्स के लिए ओपनिंग करने वाले पृथ्वी शॉ। इन दोनों की जोड़ी ने इस साल दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी अच्छा परफॉर्म किया था आईपीएल में, और इंडियन टीम के लिए श्रीलंका के खिलाफ भी इन दोनों को ही ओपनिंग करते हुए हम देखेंगे। अब बात करते हैं मिडिल ऑर्डर की। तो नंबर 3 पर हमें दिखेंगे स्काई यानी कि सूर्य कुमार यादव, वही नंबर 4 पर संजू सैमसन जो कि इस टीम के लिए विकेट कीपिंग भी करते हुए दिखाई देंगे, वही नंबर 4 पर ईशान किशन आपको बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। अब बात करेंगे लोअर ऑर्डर की, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक सवाल है। सवाल ये है कि स्क्वाड में 5 अनकैप्ड खिलाड़ी है, देवदत्त पड्डीकल, ऋतुराज गायकवाड़, नीतीश राणा, कृष्णप्पा गौतम और चेतन सकारिया। तो इन 5ों में से किस किस को इस सीरीज में डेब्यू करने का मौका मिलेगा, कमेंट में बताओ। अब लोअर ऑर्डर की बात करते हैं, तो यहाँ आपको पांड्या ब्रदर्स यानी कि नंबर 6 पर कृणाल पांड्या और नंबर 7 पर हार्दिक पांड्या खेलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन क्या आप बता सकते हो कि ये फोटो में कौन है? तो चलिए अब बात करते हैं बॉलर्स की। तो नंबर 8 पर आपको दिखेंगे दीपक चहर जो कि बल्लेबाजी कर सकते हैं, नंबर 9 पर भुवनेश्वर कुमार को भी बल्लेबाजी हल्की बहुत आती है, नंबर 10 पर चेतन सकारिया और नंबर 11 पर युजवेंद्र चहल आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। हाँ रुको रुको, जाना मत, मैंने बोला था ना 20 लोगों की स्क्वाड है, क्या सभी को खेलने का मौका मिलेगा? तो यार मेरे हिसाब से ना ये टीम राहुल द्रविड़ सर के अंदर खेलने वाली है, और ये ऐसे कोच है ना जो सभी को मौका देते हैं, और मेरे हिसाब से इस सीरीज में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौके मिलेंगे। आप कई लोगों को डेब्यू करते हुए देखेंगे, देवदत्त पड्डीकल को, ऋतुराज गायकवाड़ को, और इसके अलावा चेतन सकारिया, नीतीश राणा और गौतम भी है, और मेरे हिसाब से 5 में से 4 लोग या 3 लोग तो आराम से डेब्यू कर जाएंगे इस सीरीज पे। पर आप लोगों ने एक चीज़ स्क्वाड में ज़रूर नोटिस की होगी कि टी नटराजन का नाम नहीं है, क्योंकि उन्हें इंजरी है, और इंजरी की वजह से इन्होंने अपने करियर में बहुत स्ट्रगल किया है। पूरी स्टोरी जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो, वरना राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की प्लेइंग 11 भी देख लो। गुड बाय।